तो गाइस अभी आ गए हैं बाबा रामदेव जी। तो यहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर आपने कर लिया, क्यूआर कोड नहीं आया आपके पास, तो क्यूआर कोड आप यहां से निकलवा सकते हैं। सो हेलो गाइस, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, दिस डीडे आदेल के ओ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन व्लॉग्स। एंड चलिए प्रारंभ करते हैं। और हमारे साथ शीशे में देख सकते हो पीछे बंदा बैठा हुआ है, और हम हैं अभी हाईवे पर, जो खुरम नगर का नया वाला हाईवे है, इसे नए वाला हाईवे बोलते हैं। तो इस वाले हाईवे पर हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं अंबेडकर पार्क, जहां पर होने वाला है साहित्य के, मतलब कलाकार वगैरह आ रहे हैं वहां पर। तो मैं सोचा क्यों ना वहां का एक छोटा सा व्लॉग हो जाता है, छोटा सा क्या, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर जितनी हमें पता होगी उतनी तो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक मोटा व्लॉग भी हो जाए इसी बहाने। तो आप लोगों को आई होप कि मज़ा ही आ रहा होगा इस मोटो व्लॉग में। तो अभी हम लोग चल रहे हैं गोमती नगर, एंड वहां पर देखेंगे क्या इवेंट है। एंड हमारे काफ़ी ग्रुप के बंदे जो यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर हैं, तो वो भी मिलने वाले हैं। एंड उसमें एंट्री करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो मैंने कर तो दिया है, लेकिन वो अभी उसका क्यूआर कोड नहीं आया है मेरी जीमेल आईडी पर, तो मैं उसका ही वेट कर रहा था और वो आया नहीं। तो अभी के लिए तो वहीं चल रहे हैं, देख लेते हैं कि अगर कुछ होती है गड़बड़ तो वहाँ पे समझ लिया जाएगा, बाकी बात बात करी जाएगी कि एंट्री भैया दिलवा दो। इस वाले रास्ते पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक लगता है, क्योंकि ये वाला है पूरा हाईवे, जाने वाले इधर से ही जाते हैं, आने वाले उधर से ही आते हैं, तो इधर इतना क्राउड नहीं होता, इसलिए ये वाला रास्ता हम लोग स्पेशली करके चुनते हैं जब हमें गोमती नगर जाना होता है, क्योंकि हमारा घर गोमती नगर से कम तो 10 से 12 किलोमीटर दूर ही है। तो यहाँ से हमें चढ़ना है ये पुल। भाई आजकल मेरे को ना मोटो व्लॉग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है, अगर मेरे पास गोप्रो हो जाएगा ना फिर तो अलग ही स्वैग रहेगा उस चीज़ का, क्या कहते हो? तो अभी के लिए हम चढ़ते हैं पुल ये वाला। भाई साहब बराबर चलोगे तो हम लोग कैसे निकलेंगे? ये ब्रेजा और ये इनोवा, कोई बात नहीं, चलो हम भी पीछे पीछे चलते हैं इंजॉय करते हुए। इंजॉय हो गया। अब उस जगह पर एक जो ट्रेन है, ट्रेन का एक ब्रिज बनना है, मगर उस ब्रिज पे चल नहीं सकते, लोहे का ब्रिज बनना है साइड वाला, और वो लगभग कंप्लीट ही हो गया। तो ये है मेट्रो का पुल, और ये है रोड वालों का पुल जो बाइक एंड स्कूटी वगैरह है, तो इस पे चलती हैं। बाकी ये हमारा कुछ गोमती नगर साइड का एरिया सामने से दिख रहा है, और वो फेमस बिल्डिंग जैपनिक बोलते हैं ना, जैपनिक है वो। अभी नैनीताल आ गए, और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अभी चलेंगे कहाँ, खुरपाताल लेक। तो हम जाने वाले हैं अभी खुरपाताल लेक एंड मैंगो शेक लेक, नहीं मैंगो शेक बता रहा हूँ, सॉरी शक्तिमान, मैंगो शेप वाली लेक, हाँ ये था। A few moments later. स्कूटी कर दी है वहाँ पर पार्क, और ये सामने है गेट साहित्य आज तक, तो यहाँ इसके अंदर हम लोग चलेंगे। तो ये है गेट, और यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह भी है। तो यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अगर आपने कर लिया, क्यूआर कोड नहीं आया आपके पास, तो क्यूआर कोड आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये है, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इसके लिए एंट्री एंड एग्जिट दोनों चीज़ें हैं, और अगर टिकट सिर्फ घूमने के लिए लेना है तो वहाँ से आप ले सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करवाना है तो यहाँ से करवा के आप अंदर जा सकते हो। सब हो गई है हमारी एंट्री, अंदर आ गए अभी हम लोग, और यहाँ पर बहुत सारी परफॉर्मेंस और बहुत कुछ यार लगा पड़ा है, आज तो आपको घुमाने वाले हैं हम तगड़े से। और इस क्यूआर कोड को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो ईमेल आईडी जो आपकी पड़ेगी, उस ईमेल आईडी पर अगर आपका क्यूआर कोड नहीं आता है तो आप यहाँ पर आकर, रजिस्ट्रेशन काउंटर है तो यहाँ पर आप जाकर क्यूआर कोड ले सकते हो अपना फ़ोन नंबर बताकर। तो रजिस्ट्रेशन ये दो दिन का होगा, रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, और क्यूआर अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको दो दिन का रहेगा ये सिस्टम, दो दिन आप आ जा सकते हो इसी क्यूआर कोड से। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब घुमाते हैं आपको यहाँ। तो कुछ प्रोग्राम्स इधर होने वाले हैं, एंड कुछ प्रोग्राम्स वहाँ होने वाले हैं, एंड कुछ प्रोग्राम्स इस जगह पर होने वाले हैं,
तो तीन जगह पर जो इस अपना बना हुआ है, तीन से चार जगह, पांच जगह, बहुत जगह पर हुआ है, तो ये चीजें हम कवर करेंगे। तो यहाँ बाबा रामदेव जी आ गए हैं। सो ये है, जी हो चुकी है बाबा रामदेव जी की एंट्री, जो पतंजलि के क्या है, ऑनर, जो पतंजलि के ऑनर हैं, तो उनकी हो चुकी है एंट्री। एंड एक प्रोग्राम चलने वाला है बाबा की योगशाला, तो वो हम देखने वाले हैं, और जो हम देखेंगे लाइव, मतलब हम तो देखेंगे लाइव ही। एक लाइव होता है जो आप फोन पे देखते हो, सेकंड लाइव वो होता है जो आप अपनी आंखों से देखते हो, हम देखने वाले हैं लाइव। प्रेजेंटेड बाय रजनीगंधा, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ यार। ऐसा लग रहा है हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन नहीं, ये सारे जो प्रोग्राम होने वाले हैं, तो प्रेजेंट कर रहा है रजनीगंधा एंड क्या बोलते हैं आज तक। वह काबिले तारीफ है, और जिस तरह से जब तक आपको देखेंगे तब तक उत्तर प्रदेश जैसे एक नहीं, मैं आपको हजार प्रमाण दे सकता हूँ। डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटी किया हमने, बीपी क्योर किया, थायराइड हमने क्योर किया, अर्थराइटिस अस्थमा क्योर किया, लोगों को लंग ट्रांसप्लांट से बचाया, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया, और पूरी दुनिया अब योग आयुर्वेद और सनातन को फॉलो करेगी, जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका है। स्वामी ये बताइए, साहिब राजस्थान के मंच पर शाश्वत को इतना जी, पर स्वामी जी आज जो टकराव है, आज जो टकराव चल रहा है, वो किसी दो समुदाय में नहीं, एक ही समुदाय के अंदर से दो तरह की आवाजें उठ जाती है। एक तरफ बागेश्वर धाम के सबसे पॉपुलर आजकल जिन्हें बाबा कहा जाता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो आपको बहुत मानते भी है, वो हिंदू राष्ट्र को लेकर एकदम अपने कट्टर विचार सामने रखते हैं, और दूसरा यही उत्तर प्रदेश से ही रामचरित मानस के खिलाफ जो आवाज उठी वो एक हिंदू की तरफ से उठाई गई थी। और साहित्य के अनमोल रत्नों को इस धरा पर लेकर के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र की बात की, स्वामी जी यहाँ पर सनातन विश्व की परिकल्पना और उसकी उसकी सोच के साथ मन छोड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रॉमिस है, आने वाले समय में ये सनातन धर्म माने योग धर्म, अध्यात्म धर्म, मानव धर्म, यही नैतिकता है, यही आने वाले समय में इस दुनिया को बचाएगी, और आप और हम